नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की खास हेडलाइंस के साथ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर मुहर लगाते हुए इसको अधिसूचित किया। बायोकॉन के प्रमुख किरण मजूमदार शो कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी विधानसभा के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, दो दिन बाद शुरू होना है सत्र। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री के धमाके में 2 की मौत, 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज। मुंबई के बांद्रा इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, सभी 16 लोगों को निकाला गया, 2 की हालत गंभीर। फिलहाल के लिए हेडलाइंस में बस इतना ही। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।